स्टूडेंट्स क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, वर्बल क्वेश्चन है, आंसर भी वर्बली आएगा, 80 आएगा इसका आंसर। पहले एक बार डिटेल में करता हूँ, फिर वर्बल मेथड समझा दूंगा। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेज 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द 200 क्वेश्चन एंड स्कोर्ड इन ऑल 200 मार्क्स। द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली वॉज, देखो पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन थे 200, मतलब राइट जो उसने अटेम्प्ट करे, ठीक है, सारे उसने अटेम्प्ट करे, राइट प्लस रॉन्ग, ये कितना है 200, मतलब राइट प्लस रॉन्ग ये कितने हैं उसके 200 उसके अटेम्प्ट हैं। तो राइट को लिख दिया आर, रॉन्ग को लिख दिया डब्ल्यू, ये कितना है 200। अब मार्क्स कितने हैं, मार्क्स किस हिसाब से हैं, राइट के लिए मार्क्स हैं 4, रॉन्ग के लिए मार्क्स कितने हैं -1। तो स्कोर कितना आया उसका, उसका स्कोर कैसे आएगा, देखो जितने राइट करेगा उनके लिए तो 4 नंबर मिलेंगे, जितने रॉन्ग करेगा उनके लिए 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्कोर कितना आ गया उसका, उसका स्कोर भी कितना आया है 200। अब मैं ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दूँ, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्लियर है। अगर 1 और 2 इक्वेशन ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 ऐड करता हूँ, रॉन्ग से रॉन्ग कट जाएगा, ये राइट और 4 राइट मिलके क्या हो जाएगा 5 राइट, राइट और 4 राइट मिलके हो गया 5 राइट, ये 5 राइट कितना आ गया 400, तो राइट कितना आ गया, राइट आ गया 80। कितने सही क्वेश्चन थे, राइट आ गया 80, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब वर्बल शॉर्टकट से कैसे है, देखो फुल मार्क्स कितने मिल सकते थे, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक बार वर्बली समझा देता हूँ। चलो फुल मार्क्स कितने मिल सकते थे उसको, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 800 में से उसके मार्क्स कितने हैं 200, 800 में से 200 मार्क्स आए, मतलब 600 मार्क्स कट गए। अब आप ध्यान से सोचिए, 600 मार्क्स कटे हैं, अगर वो एक क्वेश्चन सही करता तो उसे मिलते 4 मार्क्स, पर गलत करने की वजह से एक मार्क्स कट गया ऊपर से, तो मतलब हर गलती के लिए 5 नंबर डिडक्ट होंगे, हर गलती के लिए कितने होंगे 5 नंबर डिडक्ट, उसके टोटल मार्क्स डिडक्ट कितने हुए 600। तो 120 बार गलती करेगा तो 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे तो 600 नंबर जाएंगे, तो मतलब उसने 120 गलत करे हैं और 80 क्वेश्चन सही करे हैं, तो वर्बल आंसर 80 आ गया। अब आप इसी लाइन पर सोचिएगा अगले क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूँ फुल मार्क्स कितने आ सकते थे, 4 × 200 यानी 800। अच्छा एक मिस्टेक के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, मिस्टेक की वजह से डिडक्शन कितना होगा 5, समझ रहे हो, एक गलती की वजह से 5 मार्क्स कट जाएंगे, तो टोटल डिडक्शन कितनी हुई इसकी, उसकी टोटल डिडक्शन हुई है, उसकी टोटल डिडक्शन हुई है 800 माइनस 200 यानी 600, 600 का मतलब क्या होता है 120 × 5, तो यानी रॉन्ग कितने हैं 120 रॉन्ग है, तो करेक्ट कितने हो गए 80 हो गए करेक्ट, तो ये मेरा आंसर हो गया।